नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी और ग्रीन टीवी के आज के इस वीडियो में बात करेंगे एकता पर। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला तो झाड़ भी बेकार होता है, ऐसी और भी तमाम कहावतें हैं जो इस एक वाक्य को साबित करती हैं कि एकता में बल होता है और भारतवासियों में इस एकता का भाव सदा जीवित रहे, ये संदेश जनमानस में सदा फैलाते रहे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की एकता के प्रतीक, आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 143वीं जयंती पर सादर नमन। उनके जन्मदिन के इस शुभ दिन 31 अक्टूबर को पूरा राष्ट्र राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। लोह पुरुष का व्यक्तित्व जितना विशाल था उतनी ही विशाल है ये प्रतिमा, जिसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आज पीएम नरेंद्र मोदी इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लोह पुरुष की ये प्रतिमा खास इसलिए भी है क्योंकि ये विश्व की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो गुजरात में वडोदरा के पास नर्मदा जिले के सरदार सरोवर के केवड़िया कॉलोनी गांव में बनाई गई है। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 182 मीटर। 2500 से ज़्यादा मजदूरों की मेहनत और लगन से बनी इस प्रतिमा को बनाने में खर्च आया है करीब 2,990 करोड़ रुपए। आज लोह पुरुष की जयंती के इस पावन मौके पर मैं आपको उनके कुछ विचार याद दिलाना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि इन विचारों की राह पर चलकर आप कोई एक ऐसा नेक काम ज़रूर करेंगे जो राष्ट्र की आवाम के हित में होगा। पटेल साहब कहते हैं कि एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है, जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए, और तब ये आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। तो दोस्तों, क्यों ना आज हम भी इस राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकजुट हो जाएं अपनी धरा को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए और एक साथ मिलकर ये प्रण लें कि पटाखे नहीं चलाएंगे। पटेल जी के एक और विचार में वो कहते हैं कि ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो ये अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर एक भारतीय को अब ये भूल जाना चाहिए कि वो एक राजपूत है, एक सिख है या एक जाट है। उसे ये याद रखना चाहिए कि वो एक भारतीय है और उसे इस देश में जितने अधिकार हैं उसी तरह से कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। दोस्तों, पटेल जी के विचार के मुताबिक आपको भी दिवाली मनाने का पूरा अधिकार है, पूरी छूट है, लेकिन एक कर्तव्य भी है, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने का। और अब ये आप पर है कि आप अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करके अपने कर्तव्य को कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।